पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ग्राम पंचायत भस्सी झन्यारा के अंतर्गत नडियाना सडियाना गांव के साथ लगते वन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ लोकार्ट का पौधा रोपित कर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने भी इस अवसर पर आंवले का पौधा रोपित किया। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी हरड, आंवला, बेहड़ा तथा रीठा प्रजातियों के 120 से भी अधिक पौधे रोपित किए। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन प्रकृति का एक अनुपम उपहार है जो मानव जाति के साथ साथ वन्य जीव जंतुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। वन भू संरक्षण के साथ भू जल स्तर को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। अधिक से अधिक पौधारोपण से जहां हमारी धरती हरी भरी रहेगी वहीं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला में बरसात के मौसम में 33 स्थानों पर 152 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। बुजुर्गों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बुजुर्ग निष्काम भावना से रास्तों के किनारे आम, पीपल तथा बट वृक्ष के पौधे रोपित करते थे। हमें उनसे सीख लेकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा वनों के संवर्धन व संरक्षण में अपना 100% योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान में स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होने से ये संदेश घर घर तक जाएगा तथा बच्चों में भी पौधारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उनका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वन ही जीवन है, इसलिए वनों को बचाने के साथ साथ इनका संवर्धन व संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि विगत 3 महीनों में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बस्सी झन्यारा पंचायत में विकासात्मक कार्यों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के माध्यम से लगभग 45 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है जो कि क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी सकारात्मक सोच को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए 3,53,00,000 से बनने वाली पेयजल योजना भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ही स्वीकृत करवाई है जो जनवरी 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी जिससे क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। वन मंडल अधिकारी संगीता चंदेल ने भी वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण तथा पौधारोपण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।